हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चहल मल्होत्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग स्टेशन में। तो भाई, आज की वीडियो में हम गेम प्ले करेंगे रॉयल रंबल में। ऑफिशियल जो सारे मैचेस हैं उनका गेम प्ले, यानी कि भाई रॉयल रंबल के सारे मैचेस का गेम प्ले करेंगे अब। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और भाई, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस वीडियो में हम रॉयल रंबल मैच का गेम प्ले नहीं करेंगे। सुनने में बड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन भाई रॉयल रंबल मैच का गेम प्ले इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई वैसे भी ये वीडियो 1 घंटे से मैं ऊपर नहीं बना सकता कोई भी वीडियो, क्योंकि PS4 में ऐसा ही सिस्टम है। तो उसकी वजह से रॉयल रंबल मैच तो आपको पता ही है कम से कम आधा घंटा चलेगा और बाकी मैचेस भी हैं। तो रॉयल रंबल के लिए, पूरे रॉयल रंबल मैच के लिए अलग वीडियो आएगी जो कि इसके बाद आएगी बिल्कुल। बट अभी के लिए रॉयल रंबल में जितने भी मेंस के सिंगल्स मैच हैं, जितने भी मैच हैं वो करेंगे, और 3 मैचेस होने वाले हैं। ज़्यादा मैचेज है नहीं, ब्रॉक वर्सेज बॉबी खेलेंगे, और उसके बाद एज वर्सेज एज एंड जो टैग टीम मैच है वो करेंगे, और मेन इवेंट होने वाला है आज का रोमन वर्सेज सेथ, 15 मिनट्स का आयरन मैन मैच। जो आपको पता ही होगा लास्ट टाइम जब किया था तो रिजल्ट भी नहीं निकला था उस मैच का। तो चलिए भाई, आज खेलते हैं और रॉयल रंबल मैच पूरा नहीं करेंगे, रॉयल रंबल मैच करेंगे नहीं आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम उसको। भाई आपको पता ही है, रॉयल रंबल मैच में कर नहीं सकता इस वीडियो में, 1 घंटे से ऊपर की बना ही नहीं सकता मैं, वो वीडियो सेव नहीं होती, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो भाई चलिए, नेक्स्ट वीडियो में रॉयल रंबल खेलेंगे मैच जो रॉयल रंबल वाला है, बट आज बाकी तीनों मैच खेलते हैं जो कि ऑफिशियल है रॉयल रंबल में। तो चलिए भाई, आज की वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी, आप समझ सकते हो। चल भाई, स्टार्ट किया जाए। अनाउंसिंग तो देखने का मतलब नहीं है। ब्रॉक लेसनर आ रहा है, ब्रॉक लेसनर लेके खेलेंगे, और 2K19 में लगाया ताकि आपको कुछ मज़ा आ जाता। 2K20 में तो हम ब्रॉक वर्सेज बॉबी और सारे मैचेस कर ही लिए हैं हमने काफ़ी बार, तो आज 2K19 में करेंगे। ब्रॉक लेसनर न्यू वाला ले लिया है, मैं ब्रॉक लेसनर बनूंगा और रोमन वर्सेज सेथ वाला मैच होगा, कंप्यूटर वर्सेज कंप्यूटर। जल्दी आ ब्रॉक लेसनर, बहुत बढ़िया भाई, खतरनाक स्टार्ट हो चुके। और भाई, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई शुरू में ही बोल रहा हूँ लाइक कर देना, याद से लाइक जो नहीं करता भाई भूल जाते हो आप, काफ़ी लोग, तो लाइक कर देना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना। ब्रॉक लेसनर आ रहा है, खतरनाक लग रहा है, अभी देखते हैं मैच जीतता हूँ या नहीं। इसमें तो ब्रॉक लेसनर बनूंगा। नेक्स्ट मैच है वो है एज वर्सेज एज वाला जो मैच है आपको पता ही है, मिक्स टैग टीम मैच वो करेंगे। ओ धत तेरी की, वो तो इसमें कर ही नहीं सकते यार, ये तो गलत हो गया यार, वो तो इसमें कर नहीं सकते। बट ठीक है, क्या छोड़ो उसको, उसको छोड़ो, सिर्फ 2 मैचेस करेंगे मतलब आज की स्टूडियो में, सेथ वर्सेस रोमन और ब्रॉक वर्सेस बॉबी। छोड़ो भाई, वो सेथ वाला मैच तो हम कर ही नहीं सकते एज वाला, क्योंकि भाई उसमें क्या नाम है, 2K19 में है ही नहीं मिक्स टैग टीम वाला मैच करने का ऑप्शन। तो 2 मैचेस करेंगे आज की स्टूडियो में, नाम को रॉयल रंबल फुल मैचेस की है वीडियो, लेकिन फिर भी चल भाई। बॉबी लैशली आ जाए, बहुत ज़्यादा जोश में आ रहा है, टकलेस को बताता हूँ मैं। 2 मैचेस करेंगे इस वीडियो में हम, 3 भी नहीं, क्योंकि एज वर्सेस जो है ना मिस का मैच, मिक्स टैग टीम मैच, वो 2K19 में कर नहीं सकते। 2K19 लगाना पड़ेगा, 2K20 में लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो उसको छोड़ो। वैसे ही वो मैच एक बार मैंने कर ही दिया था गेम प्ले में अलग से। तो आज की वीडियो में 2 मैचेज ही होंगे, ब्रॉक वर्सेज बॉबी और रोमन वर्सेज सेथ। रोमन वर्सेज सेथ 20 मिनट का कर लेंगे, चलो ठीक है, रोमन वर्सेस सेथ 20 मिनट का आयरन मैन मैच, और ये मैच तो नॉर्मल ही है, इसमें मैं ब्रॉक लेसनर भी है, चल आया बताता हूँ मैं। और रॉयल रंबल मैच की जो 30 मिनट्स मैच है उसकी वीडियो कल आएगी, कल या फिर आज पता नहीं, जब भी आएगी मतलब उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसी पे आएगी, रॉयल रंबल 30 मिनट्स मैच पे। चल स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी बकवास, हम मार खाएगा टकला, टकले की खोपड़ी उड़ा दूंगा आज मैं, गुस्से में हूँ। लेसनर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली ड्रीम मैच 2K19 में, बट रियल में भी बहुत जल्द देखने मिलेगा हमें, कल या परसों, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो, रॉयल रंबल के 1 या 2 दिन पहले ही डालूंगा ऑब्वियसली, 1 दिन पहले मेरे ख्याल। और वैसे मैं बना ये वीडियो रहा हूँ 22 जनवरी को, जिस दिन स्मैकडाउन हुआ, सेकंड लास्ट स्मैकडाउन। हट टकले, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं आज, ये ले बताता हूँ। मुझे लग रहा है भाई इस मैच की प्रिडिक्शन भी आज कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है प्रिडिक्शन करनी आज ही होती है, जिस दिन मैं ये वीडियो बनाता हूँ प्रिडिक्शन हमेशा कर देता हूँ। तो प्रिडिक्शन मेरी यही है कि ब्रॉक लेसनर जीतेगा, मेरे हिसाब से 70% तो यही लग रहा है मुझे कि ब्रॉक जीतेगा। बॉबी लैशली भी मिराकल पुल आउट कर सकता है, बता क्यों, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगर बॉबी हरा देता है ब्रॉक को, तो ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल जीत सकता है उसके बाद, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मुझे लगता है ब्रॉक रिटेन करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैच इसकी भी प्रिडिक्शन कर दूंगा, रोमन और सेथ की बात करेंगे, वो करेंगे 20 मिनट आयरन मैच, मज़ा तभी आएगा ज़्यादा। क्या कर रहा है, उड़ा उड़ा के, ओए भाई वुमेंस का मैच भी कर सकता था, लेकिन वो मैं करता ही नहीं, तो इतिहास को दोहराएंगे हम, वुमेंस का मैच नहीं करते हम, इसीलिए आज आज भी नहीं करेंगे। टकले आ तू, बताता हूँ मैं, अरे भाई हरकत कर रहा है यार, हरकत कर यार है टकला यार, बहुत मारा आज, हारने का तो मतलब ही नहीं है। ये मैच मैंने ब्रॉक लेसनर लेके खेला है, तो आज हरा दिया अगर मैंने लेसनर को, तो फिर क्या ही फायदा, आज हारना नहीं है। टकले बहुत हाथ चल रहे हैं तेरे, बताता हूँ मैं, खोपड़ी उड़ाता हूँ तेरी, रुक तू। आज रॉयल रंबल का फुल शो का मैचेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि 2 ही मैचेस है,
एज वाला मैच हम कर नहीं सकते, लड़कियों का मैच मैं करता नहीं, और रॉयल रंबल का मैच अगर पूरा करने बैठ गया तो वो तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो अलग से करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ दो मैच होने हैं, चल मेन टाइटल वाले दोनों मैचेस, वैसे कोई और मैच ऑफिशियल भी नहीं है ना। हाँ, और कोई जो ऑफिशियल नहीं है, ना इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, ना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए अभी तक, बताता हूँ ये ले, चल मार खाएगा, लेसन जीतेगा आज, छोड़ूंगा नहीं। ऊपर से कूदूस मिलिट्री प्रेस जो मारता है लेसनर, पता नहीं ये वाला मारते हैं या नहीं, कूद के देखते हैं भाई। सही से कूदियो, उड़ावत लिया अपनी खोपड़ी, अरे ये क्या करा यार, खुद को ही पूरा हड्डियां तोड़वा लिया। अच्छा खासा खड़ा हुआ था मैं, गिर गया इतनी दूर की भाई, लग गई, लगता है लेसन को ज्यादा लग गई। बॉबी लैशली देखो स्पीयर मार दिया लगता है, अरे क्या कर रहा है हरकत, ये स्पीयर मारा है कि तूने खुद को लगाई ये चोट, क्या किया, क्या कर रहा है, दौड़ा दौड़ा के हट रहे। हाँ चला गया बाहर चला गया, अरे क्या कर रहा है, बाहर से आके मारा मनुष ने, अब बताता हूँ मैं, सुप्लेक्सिटी चलेगा, अरे ज्यादा हरकत कर रहा है यार बॉबी लैशली, पता है, रुक जा हट, बहुत हरकत कर रहा है यार ये टकला, ज्यादा हाथ चल रहे हैं इसके। आ जा अंदर आ, बताता हूँ, ड्रीम मैच अंडरवे, अंडरवे तो कब का हो चुका है बट जीतना है आज। अरे भाग नीचे, टेबल तोड़ के आता हूँ, अरे नीचे भाई। हाँ भाई 2K19 ग्राफिक्स बड़े क्लीन है यार, मजा आया था देख के। 2K20 सच में ना कभी कभी बहुत घटिया लगता है, अब 2K19 देख रहा हूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। गैप दे दे के खेलता रहता हूँ अब मैं, ये नहीं कि एक ही गेम के पीछे पड़ गया तो हाथ धो के उसी के पीछे पड़ गया। अब 2K19 भी खेलता हूँ, 2K20 भी खेलता हूँ, आपको पता ही होगा, तो ये सही है। अब मुझे ज़्यादा अच्छा 2K19 लग रहा है, और 2K22 अब आने ही वाला मार्च 11 को, उसके लिए तो एक्साइटेड है। हट पीछे हो यार टकला, क्या करे यार, अरे यार वो मारे आ रहा है भाई साहब, बहुत मार दिया यार इसने टकले ने भाई, ये काउंट आउट ना करवा दे मुझे, हरकत इसकी ठीक नहीं है टकले की। गधे तेरे को बेल्ट नहीं मिलेगी ऐसी हरकत करेगा तो, नीचे आ, बेल्ट नहीं मिलेगी अगर तो ऐसी हरकत करेगा, नीचे आ जा, मनहूस नहीं आएगा ये, इसको लेके आना होगा। अरे अरे क्या कर रहा है ये, उड़ा के देगा लगता है भाई, इसके पास लोबलो भी है, लोबलो भी है इसके पास, अरे यार ये तो गलत हरकत है, मारे आ रहा है तो मारे ही जा रहा है मनहूस टकला, सिग्नेचर देने आ रहा है। अभी बताता हूँ, रिवर्स किया मैंने, अभी बताता हूँ इसको मैं, रिवर्स करा है मैंने भाई, रिवर्स नहीं किया, क्या यार अगर नहीं किया तो पिट जाऊंगा अच्छा खासा। अरे मजाक चल रहा है यार, लेसनर को उठा के खड़ा हो गया हवा में, ये क्या हरकत कर रहा है, अब क्या कर रहा है, कोने में चला गया भाई साहब, ये तो जोश में आ गया है, स्पीयर देने आ रहा है, ये तो मोमेंट बना देगा अपना यहाँ पे, हट स्पीयर देगा ब्रॉक लेसनर को, अरे भाई ये बहुत ज्यादा कर रहा है, हट अब बता दो, ये ले किमुरा खाएगा, अरे भाई लॉक कैसे देते हैं 2K19 में, ओए 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 2K19 में लॉक कैसे देते हैं, भूल गया, अरे रुक जा यार, लॉक फिनिशर देते हैं, कैसे फिनिशर देना नहीं याद आ रहा है, अब दिया क्या, हाँ दे दिया फिनिशर दे दिया, लो भाई लॉक देना था यार, लेकिन ये तो FI दे दिया भाई। आप ही अपने दोनों मैचेस की प्रेडिक्शन कर देना, रोमन वर्सेस सेथ और ब्रॉक वर्सेस बॉबी, दोनों में क्या लग रहा है, और रॉयल रंबल मैच के जो विनर की प्रेडिक्शन होगी वो अभी मत करना, वो कल की वीडियो जब आएगी तब करना, रॉयल रंबल मैच की। टकले तेरी खोपड़ी में छोड़ूंगा नहीं, क्या कर रहा है, अरे छोड़ यार क्या कर रहा है ये मनुष्य, हट पीछे पड़ गए हाथ धो के, टेबल तो तोड़ना है इसके ऊपर, टेबल भी तोड़ूंगा बैरिकेड भी तोड़ूंगा, हाँ छोड़ूंगा नहीं उसके बिना, आ जा नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, ये वाला ब्रॉक लेसनर तो ना धाकड़ लग रहा है इतना, क्या बताऊँ, 2K22 तो नहीं है लेकिन अभी इस लेसनर से अच्छा खासा काम चल जाएगा मेरा 2 महीने तक, देखो तो देखो इस एंगल से देखो, खतरनाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताना तो, ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार, बहुत अच्छा बनाया है जिसने भी बनाया है। टेबल तोड़, टकले के ऊपर, टकले के ऊपर बैरिकेड, सॉरी टेबल नहीं बैरिकेड, मार दिया, गया टेबल, टेबल जा चुका है, टेबल टूट गया इसके ऊपर, मजा आ गया, तोड़ दिया टेबल, आ जा नीचे ऊपर, मतलब आई मीन ऊपर आ, नीचे आ रहा है, नीचे आ कह रहा हूँ गलती से, छोड़ूंगा तो नहीं तेरे को, ये ले, अरे बच गया यार ये, मार इसके, बस थक गया, अरे भाई गिरा दिया यार, एकदम हरकत कर दिया इसने, आ जा हट, अरे भाई क्या कर यार है, ये ले, अरे तो मारे आ रहे यार, रुको रुको रुको, अरे भाई जा रहे थे, क्या किया, उछाल दिया लसन को, उछाल दिया, और ये देखो क्या चोरों वाली हरकत कर रहा है यार, ये चोरों वाली हरकत कर रहा है, बैरिकेड होता वो क्या बोलते हैं उसको, उतार दिया इसने भाई, ये मुंह पे मारेगा लगता है दौड़ा के, अब तू ही जाएगा वहां पे, अब देख तू, अब देख
अब तो तू ही वहीं जाके मरेगा, देख खोपड़ी उड़ेगी तेरी वहीं जाके। जा और जाल बिछा ले दूसरे के लिए, ये ले पड़ी छाती में भाई, मारा है इसको खींच के, एक और बार मारूंगा, चल जा पड़ा गई ना कमर तेरी, बड़ा आया मेरे को मारेगा। अरे भाई साहब ओए भाई मार, नीचे आ नीचे आ, हाँ इसको नीचे खींच के लाता हूँ मैं, नीचे आ, आना नीचे, मैच काफी लंबा हो चुका है, खत्म करने का टाइम आ चुका है, बट पहले टेबल तोड़ना है तो तोड़ना है, कूद कूद गया लेसनर से ऊपर, देख तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा लेसनर इधर है। ओए होए क्या कर दिया यार, मैं ना फालतू ड्रामेबाजी के चक्कर में पिट गया, पता है अच्छा खासा यहाँ इसको कूद के मारता है इतना खींच के, गया भाई गया यार, हार गया तो रीमैच करूंगा शायद, पता नहीं हारना नहीं चाहिए, पिन्ना करा यार, टकले यार टकले भाई, अरे यार टकले ने हरा दिया, टकले ने हरा दिया यार, कुछ नहीं करने दिया इसने एंड में, पागल टकला हरा दिया। यार टकले ने हरा दिया, न्यू WWE चैंपियन बन गया, तो भाई रिजल्ट को हम नहीं चेंज करेंगे, अब हार गया तो हार गया, जीत जाता तो मैंने ठीक था, लेकिन अब हार गया तो हार गया। बॉबी लैशली बन चुका है यहाँ पे न्यू WWE चैंपियन, चलो ठीक है भाई जीत गया तो जीत गया, कुछ नहीं कर सकता मैं। उसके टकले में देख रहे हो कितना अजीब सा कुछ बना हुआ है पीछे से, भाई जीत गया तो जीत गया, अब दोबारा रीमैच करके पकाऊंगा नहीं आप लोगों को, वैसे भी अब रॉयल रंबल में ही देखना है इस मैच को, देखते हैं असली में क्या होता है। और ये हुआ हमारा लास्ट टाइम रॉयल रंबल का बॉबी वर्सेस ब्रॉक का मैच, बट अब मेन इवेंट का टाइम है, आज पहले मैच के बाद डायरेक्ट मेन इवेंट, क्योंकि है ही दो मैचेस जो कि ऑफिशियल हैं और दोनों मेन मैचेस तगड़े वाले, सेथ वर्सेस रोमन करेंगे 20 मिनट का आयरन मैन मैच, और लास्ट टाइम याद ही होगा रिजल्ट ही नहीं निकला था आयरन मैन मैच जब किया था, 20 मिनट्स 10 12 मिनट पता नहीं कितने का था, पिछली बार तो 15 मिनट का था लेकिन रिजल्ट ही नहीं निकला था, तो आज देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। रोमन रेंस वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलेंस, रुको लेने दो, रोमन रेंस कहाँ है भाई, रोमन रेंस का नया वाला वर्जन कहाँ है, ये रहा ये रहा रोमन अपना, उधर से सेथ को भी ले आते हैं सेथ का, अरे भाई ऐश तगड़ा लग रहा है यार, बहुत तगड़ा वाला है, अच्छा अच्छा है, कौन सा वाला है भाई, कौन सा वाला है भाई, वीडियो को लाइक जिसने नहीं किया भाई फटाफट कर दो, ठीक है सेथ कहाँ है भाई, कहाँ चला गया यार, अभी तो डाउनलोड किया था कुछ दिन पहले, अच्छा 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 ये रहा डे वन वाला अटायर ले लिए, ठीक है रॉयल रंबल में करेंगे, और ये वाला मैच हम लास्ट टाइम कर रहे हैं रॉयल रंबल के लिए, मतलब अगर इसके बाद रीमैच होता तो वो दोबारा करेंगे, बट अभी फिलहाल रॉयल रंबल के लास्ट टाइम, देखते हैं कौन जीतता है सेथ या रोमन, आयरन मैन मैच 20 मिनट, और जुकाम भी मेरे को थोड़ा सा लग गया पता नहीं क्यों, थोड़ा सा जुकाम है बट कोई बात नहीं, एकदम लग गया वीडियो बनाते बनाते, रिंग काउंट को बंद नहीं नहीं 5 का कर दो, ये लोग बाहर ही लड़ते रहेंगे, मेरे को 20 मिनट का आयरन मैन मैच, तीन फिनिशर भी दे दिया, एंट्रेंस भी ऑन रखते हैं, और इसके बाद रॉयल रंबल कर लेते हैं, लेकिन टाइम बचेगा नहीं पता है मुझे, क्योंकि आधा घंटा तो कम से कम लगता है रॉयल रंबल में लोड वगैरह करने में, टाइम पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करने में एक घंटा पूरा लग ही जाएगा, 40 मिनट तो कम से कम लगेगा पता है, तो उसको छोड़ेंगे आज, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चल भाई अभी ये वाला मैच देखते हैं, कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर आयरन मैन मैच 20 मिनट का फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ये वैसे रॉयल रंबल का मेन इवेंट होगा पता है, रॉयल रंबल मैच शायद मेन इवेंट नहीं करेगा, ये वाला मैच होगा मेन इवेंट अभी के हिसाब से जो लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं भाई कुछ भी हो सकता है, रॉयल रंबल के दिन ही पता लगेगा वो तो क्या मेन इवेंट होगा और क्या नहीं, बट अभी के हिसाब से लग रहा है कि यही वाला मैच मेन इवेंट करेगा पता है। और अब रिमोट को मैंने रख दिया भाई, देखते हैं कौन जीता है, मैं बस अब भग भग करूँगा यानी कि कमेंट्री करूँगा, और बस मैच में अब मैं कुछ लड़ूंगा नहीं खुद से, क्योंकि कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर मैच है, आज हमने देखना है कि कौन जीतेगा। भाई जल्दी स्टार्ट कर दे भाई, दुखी ना कर ऐसे, प्लीज लोड कर दे भाई फटाफट, और अटकना तो बिल्कुल नहीं गेम, लोड हो चुका है फाइनली, लोड हो चुका है भाई, देखते हैं अब क्या होता है। और भाई वीडियो में जिसने भी लाइक नहीं किया यार फटाफट से कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बट ठीक है, अनाउंसिंग सुनाई दे रही है आंटी जी, पता नहीं पैसे इनको मिलते नहीं है, अनाउंसिंग करती नहीं है ढंग से, आवाज़ ही नहीं आ रही भाई, आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलो, कुछ नहीं आवाज़ आ रहा है। ओके भाई सेथ फ्रिकिन रॉलेंस का आ रहा है भाई, एंट्रेंस देखेंगे थोड़ा सा लेकिन पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट का तो मैच भी है, तो इसलिए एंट्रेंस देखेंगे थोड़ा सा। चल भाई जल्दी आ,
और हाँ, पिछले मैच में मैंने बता दिया था ब्रॉक लेसनर, मेरी प्रिडिक्शन है ब्रॉक लेसनर जीतेंगे। और मेरी इस मैच के लिए प्रिडिक्शन जो है, एक हफ्ता पहले प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं। जब आप वीडियो देख रहे होगे तब एक हफ्ता नहीं बचा होगा, ऑब्वियसली एक दो दिन बचा होगा, लेकिन मैं वीडियो में 22 जनवरी को बना रहा हूँ, एक हफ्ता भी पड़ा रॉयल रंबल में। तो अभी के हिसाब से मेरी प्रिडिक्शन है कि जो आप सामने अपने बंदा स्क्रीन पर देख रहे हो, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जीतेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वो डीथ्रोन करने वाला है रोमन रेंस को। मेरी यही प्रिडिक्शन है और देखते हैं अब क्या होता है। रोमन भी जीतेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेट फाइनली रोमन रेंस का एपिक टाइटल रेन को ओवर करने वाला है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सेट भाई आ जा, बहुत लंबा एंट्रेंस देख लिया तेरा। और मेरी प्रिडिक्शन तो यही है कि रोमन शायद अब हारने वाला है भाई, रूमर्स भी बहुत आ रहे हैं कि रोमन हारेगा, तो देखते हैं अब हारता है या नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली रोमन हारने वाला है। तो चलिए भाई रोमन का एंट्रेंस भी देखते हैं। मेरे ख्याल डबल चैंपियन शायद बन के आए रोमन, क्योंकि मैंने दो चैंपियनशिप जितवा दी थी एक बार इसको। नहीं, सिंगल ही लेके आया है, यूनिवर्सल चैंपियन, द हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ, और शायद आज रोमन की आखिरी रात हो सकती है एज यूनिवर्सल चैंपियन। इस मैच की प्रेडिक्शन आप करना, मेरी तो प्रेडिक्शन है शायद जीतेगा, ठीक है। अब गलत भी हो सकता हूँ मैं ऑब्वियसली, बट ठीक है देखते हैं। ओहो रोमन रेंस द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ। आ जा भाई, अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं। और मेरे को पता लग चुका है गलती कर दी मैंने, मैंने पता है रोमन बना हुआ, मैं मुझे ठीक करना होगा उसको, बट कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा उसको ठीक करने में। 20 मिनट का मैच होने वाला है, आयरन मैन मैच। भाई जल्दी से लोड कर भाई, रहा नहीं जा रहा, लोड कर आ जाए, लोड कर आ जा भाई। अरे बोलना आंटी, अरे आंटी को पैसे नहीं देते क्या ये लोग, बोलती ही नहीं है, बोल रहे। अरे आंटी बोलना भाई, बोल भी रही है कि नहीं बोल रही, पागल है क्या यार ये। अरे बोल ले भाई, बोलती नहीं है, खाली सिर्फ एनिमेशन दिखाया जा रहा है, हट टाइम पास करके चली गई मनहूस, पता नहीं बोली ही नहीं है, अनाउंसिंग करने का क्या फ़ायदा, फ्री का पैसा मिल रहा है इसको। लो भाई रोमन बनाना होगा, रोमन से हटाना होगा मुझे, मैं रोमन बनाऊंगा गलती से। हाँ लो भाई कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टार्ट, कंप्यूटर बन चुका और स्टार्ट हो चुका है। मार भाई देखते हैं कौन जीतता है मेन इवेंट रॉयल रंबल। अभी एक मैच बचा हुआ है रॉयल रंबल मैच, लेकिन वो कल आएगा, कितनी बार तो मैंने आपको बता ही दिया, बार बार क्या बोलूँ। बट आज का मेन इवेंट यही है, आज की वीडियो का मेन इवेंट यही है, स्टॉम्प दे दिया सेट ने, स्कोर 2K20 में, 2K19 में दिखाता नहीं है, काउंट करना पड़ेगा, 0-0 है अभी तो। और हाँ अभी काउंट करना आसान है, अब आदत सी हो चुकी है मुझे, अब वो गाना भी सुना ना, अब तो आदत सी है मुझको ये ऐसे जीने की, तो काउंट करने की मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काउंट कर लेंगे। लगता है स्पियर आएगा, ओए होए गिरा दिया। 19 मिनट बचा है, 0-0 पॉइंट्स है, बस रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम ना इनका मैच ड्रॉ हो गया था मनुष्य लोग का, मनुष्य लोगों ने ड्रॉ करवा दिया था जब लास्ट टाइम कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर किया था, दोनों ने ऐसा हरकत किया था ड्रॉ कर दिया था, बट कोई बात नहीं, आज दोनों भाई ब्रदर वर्सेस ब्रदर है, आज बस वो ना करना ड्रॉ, कोई भी जीत जाओ, कोई भी जीत जाओ, ड्रॉ नहीं करना, देखते हैं एंड में होता क्या आज। 1 मिनट हो चुका है मैच का, स्पीयर दे दिया रोमन ने, टेकआउट कर दिया सेट ने, वाह। ये तो अभी तो ऐसे ही चलेगा, अभी तो पिनफॉल नहीं होने लगा किसी का भी, हेल्थ भी फुल है दोनों की। रोमन लगता है फिनिशर पे फिनिशर देगा, गाड़ देगा, गाड़ता रहेगा फिनिशर के पे फिनिशर, बचाएगा क्या सेट भाई, जोर की मारा यार ये वाला तो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पिनफॉल हो जाएगा सेट का, 1 पॉइंट रोमन का हो जाएगा। आयरनमैन मैच है 20 मिनट का, ओहो भाई शायद भी हार नहीं मानने वाला आज, मैंने प्रिडिक्शन सेट पे करी है, जोश में अलग ही आ गया है, सही है। तीसरा स्पीयर भाई कितना देगा यार, बस कर, इतना स्पीयर शुरू में दे देगा तो एंड में क्या देगा भाई, बहुत जोर की उड़ता है यार ये, इसमें 2K19 में शायद थोड़ा अलग एनिमेशन है क्या भाई, बहुत जोर की उड़ता है, मार दिया स्पीयर खींच के तीसरा बार, फिर भी किक आउट। सेट तो भाई खतरनाक चल रहा है आज, हेल्थ देखते हैं भाई सेट की एक बार भाई, अच्छा हेल्थ अभी इतनी गई भी नहीं यार स्पीयर से, तीन तीन स्पीयर खाने के बाद भी कुछ नहीं फर्क पड़ा इतना, बहुत ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ा है। फिनिशर फेस्ट चल रहा है स्टार्टिंग में, तो फिनिशर पर फिनिशर दिए जा रहे हैं ये लोग, लगता है स्टॉम्प भी पड़ने वाला है बहुत जल्दी, लगता है दे दिया। अरे वाह फिनिशर फेस्ट मैच है बिल्कुल, फिनिशर पर फिनिशर, रियल में मुझे नहीं लगता ऐसा होगा पता है, क्योंकि फिनिशर देंगे ना ज्यादा फिनिशर, तो मुझे नहीं लगता मतलब एक दो फिनिशर में काम खत्म हो जाएगा दूसरे का, रियल में मैं ये लग रहा है, क्योंकि दोनों का फिनिशर स्ट्रांग है, बार बार उस पर किकआउट होते हुए दिखाएंगे तो वीक लगेगा फिनिशर, क्या मारा। अरे गिलिटीन ये क्या किया, अच्छा क्या नाम था इसका, भूल गया मैं इसका नाम, भूल गया मैं, पता नहीं क्या था जो सेट ने भी मूव मारा, क्या नाम था, 1 पॉइंट बना लिया जो भी मूव था पता नहीं, अच्छा हाँ शायद रिपकॉर्ड नहीं था, रोमन इतने गुस्से में आया ना 1 पॉइंट जब सेट का हुआ है, नीचे ही फेंक दिया इतना जोर की, रोमन का 1 पॉइंट हो चुका है, सॉरी सेट का 1 पॉइंट हो चुका है, रोमन का नहीं हुआ, सेट का 1 पॉइंट हो चुका है।
यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे भी नहीं दिखाता है, खुद से याद करना पड़ेगा। हाँ सेट का एक पॉइंट हो चुका है। हाँ चलो भाई देखते हैं, सेट वन है, रोमन जीरो है, याद रखूंगा मैं, बस भूलो ना। वैसे तो भूलने का चांस नहीं है, फिर भी भूलूंगा नहीं मैं, कोशिश करूंगा गलती ना करूं बिल्कुल भी। वैसे कभी करता नहीं हूँ गलती, बट फिर भी ध्यान रखूंगा। सेट का ये रोमन का जीरो, और लगता है रोमन भी जल्दी ही पॉइंट बना लेगा, ऐसा छोड़ेगा थोड़ी। लगता है क्या करने आ रहा है। ओहो सर तो भाई बहुत जोश में आज, लगता है 2K19 में आज ये जीतेगा कोई ना कोई, ड्रॉ नहीं होने वाला। 2K20 में किया था तो ड्रॉ हो गया था, आज ड्रॉ की उम्मीद नहीं रखते, आज जीतेगा कोई ना कोई। मारे आ रहा रोमन, चार ही मिनट हुए अभी तक स्टार्ट हुए, एक 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 पॉइंट तो सेट का है, रोमन का जीरो। सेट का लगता है कोर हो जाएगा जल्दी ही। वाह एंगल बड़ा मस्त दिखा रहा है यार, उठा लिया पावर बॉम्ब ब्रो, नंबर वन, मजा आ रहा है, मैच तगड़ा जा रहा है। सेट फ्रिकिंग रॉलेंस भाई, बचा लिया स्पीयर, नहीं तो गया एक पॉइंट तेरा। एक पॉइंट रोमन ले जाएगा अगर ये वाला स्पीयर कनेक्ट कर दिया। भाई ये स्पीयर मारता है क्या करता है ये, उड़ा देते दूसरे का पेट। स्पीयर नहीं है ये भाई, पेट का बिल्कुल कचुम्बर निकाल देता है। वन टू, ओ भाई ये सेट क्या हो गया इसको, भाई हार ही नहीं रहा, एक भी पॉइंट नहीं करने दिया रोमन को, और खुद एक पॉइंट करके बैठा है सेट। सही है यार, लगता है ज़्यादा ही जोश में आ गया, जीत ही के रहेगा। प्रेडिक्शन भी मेरी रियल की प्रेडिक्शन भी सेट है, और गेम प्ले की तो आप लोग बताना, रियल की भी आप लोग बताना। मुझे लग रहा है सेट जीतेगा रियल में, रियल में मुझे ज़्यादा चांस सेट का लग रहा है कि फाइनली रोमन की टाइटल एंड होने वाली है। जल्दी लास्ट के ऊपर देखिए, 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में। और भाई उठा के कहाँ लेके घूम रहा है, ओहो मार दिया। और हाँ भाई एक चीज तो हो सकती है, जो कि है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं, और उसी वजह से रोमन हो सकता है हार जाए, और फिर रोमन जाएगा रॉ पे, रॉ पे WWE चैंपियनशिप के लिए फ्यूड होगी रोमन वर्सेस ब्रॉक, फिर रेसलमेनिया तक खींचेगी, और रेसलमेनिया मैच होगा रोमन वर्सेस ब्रॉक। भाई ये कैसे चला था रोमन, ग्लिच करा था अभी, कमबैक दे दिया कमबैक। रोमन का अभी तक 0 पॉइंट है, लेकिन 0 पॉइंट रोमन का अभी तक। सुपरमैन पंच मार दिया, लगता है अभी एक हो जाएगा, एक पॉइंट होने वाला है रोमन का, एक पॉइंट हो गया, हो गया क्या, हो गया फाइनली। रोमन अब मारे आ रहे हैं, ड्रॉ ना होना भाई, ड्रॉ नहीं होना चाहिए, अभी तो ड्रॉ चल रहा है, बट अभी 14 मिनट में तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे लगता है शायद आज जीत ही कर रहेगा, स्टॉप दे दिया रिंग के बीचों बीच। वाह भाई ये तो बिल्कुल एक एक करे आ रहे हैं ऐसी हरकत, भाई एंड में ड्रॉ ना हो जाए कहीं ऐसी जैसी हरकत चल रही है, एक के बाद एक पॉइंट करे आ रहे हैं ये लोग। अभी सेट के 2 हुए थे और अब लगता है रोमन के 2 हो गए। ओ सेट ने किक आउट कर दिया यार, रोमन ने एकदम अचानक स्पीयर दे दिया था यार। 13 मिनट बचा, क्या लग रहा है, प्रेडिक्शन कर दो फटाफट जिसने नहीं करा, और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दो। सेट रोमन फाइनल टाइम रॉयल रंबल से पहले, और ये मैच मस्त होने वाला है यार, रियल में भी और गेम प्ले में भी। गेम प्ले में तो मस्त जा ही रहा है, सेट के 2 पॉइंट से रोमन का एक क्रॉस फ्लैश मार दिया, लगता है सेट 3 पॉइंट हो जाएंगे सेट के अब लग रहा है मुझे, और रोमन भी किक आउट करेगा। भाई रोमन कम थोड़ी है, तो ट्राइबल चीफ फॉर अ रीजन, भाई किक आउट कर दिया। 13 मिनट बचा है सेट के पास, इतना फिनिशर कैसे आ रहा है यार, फिनिशर फैक्ट्री लेके आया पूरी, फिनिशर फिर दे दिया, लगता है अब तो 3 हो जाएगा। अरे गिन देगा रेफरी, चोर गिनना। ओ भाई सेट के पास 3 पॉइंट हो चुके हैं, रोमन के पास सिर्फ 1। सेट मारे आ रहा है पता है, 12 मिनट बचे हैं, 12 मिनट बचे हैं, क्या लग रहा है प्रेडिक्शन कर दो। और शायद गेम भाई गेम ना थोड़ा वो कर रहा है ग्लिच, पता है थोड़ा सा बीच बीच में रोमन के हाथ में ग्लिच हो रहा है, देखते हैं कौन जीता है। 12 मिनट बचा है, सेट के 3 पॉइंट्स है, रोमन का 1 पॉइंट है, मैं याद रखूंगा, भूलना नहीं चाहिए कि गलती नहीं होनी चाहिए। 5 चॉप खींच के रोमन ने भी मारा, ले फिर मुक्का। अरे तो रिंग के अंदर ज्यादातर ये हरकत होता है, मुक्का भी मुक्का, ये तो बाहर ही करने लग गए ये सब हरकत। ये हरकत ज्यादातर एंड के पॉइंट मैच में होता है, एंडिंग पॉइंट पे, जैसे रोमन वर्सेस सीना में होता है, एक मुक्का रोमन, एक मुक्का सीना, फिर एक मुक्का रोमन, वो वाला जो चीज़ होता है। ये तो नीचे जाके कर रहे हैं ये चीज़। भाई रिवर्सल छीन लिया सेट ने रोमन का, रिवर्सल छीन लिया रोमन का सेट ने, क्या लग रहा है अब तो, लगता है सेट आगे और चला जाएगा, फिनिशर भी एक और दे दिया, 4 पे जाने वाला सेट, क्लीन जीतेगा क्या आज, पूरा क्लीन।
पिनफॉल नहीं करवाएगा शायद, करवा रहा करवा रहा, रोब्रेक हो जाएगा शायद, पता नहीं, रोब्रेक तो नहीं हुआ। रोमन भाई क्या कर रहा है आज भाई, इतना मुश्किल रोमन के लिए अब हो चुका है ना। मार सुपरमैन, हाँ पिनफॉल करवा, अरे पिनफॉल भी नहीं करवा रहा है, क्या कर रहा है ये रोमन, आज मुश्किल में है पता है। चार पॉइंट हो चुके सेट के, रोमन का सिर्फ एक, लेकिन अभी भी 11 मिनट है, 11 मिनट में कुछ भी हो सकता है। रोमन सांस ले ले भाई, फिनिश, हेल्थ भी नहीं है रोमन के पास, सांस भी नहीं ले पा रहा बेचारा, थक चुका है। फिनिशर देगा तो सेट, सेट की, अरे सेट के पास तो रेजिलेंस भी है भाई। रोमन का चांस आज बहुत कम लग रहा है मुझे अब जीतने का, यहाँ से, यहाँ से भी रिटेन कर लिया ना फिर मज़ा आ जाएगा। हाँ रेजिलेंस यूज़ कर लिया भाई, रोमन का हालात ख़राब चल रहा है पता है, टाइम ख़राब चल रहा है रोमन का। अब मारे आ रहा है, फिनिशर आया गया इसके पास, फिनिशर नहीं आया, सिग्नेचर आ गया। अब तो लगता है एक पॉइंट अब बना लेगा, सिग्नेचर देखे बना लेगा, एक पॉइंट लग रहा है, देना सिग्नेचर कोने में क्यों खड़ा हो गया जाके। 10 मिनट बचा है लास्ट का सेट, एक तो ना बहुत ज्यादा पीट रहा है भाई, कुछ तो कॉम्पिटिशन तो रहने दे, कुछ बचेगा ही नहीं अगर अब हारेगा नहीं तो। एक आध पॉइंट रोमन को करने दो, रोमन मार मार, अरे रिवर्सल छीन लिया तो मारना फिनिशर, क्या टाइम पास कर रहा है, पिनफॉल हो जाएगा क्या, पागल भाई पागल है क्या रोमन, क्या कर रहा है ये, अभी कहाँ से हो जाएगा, फिनिशर दिया नहीं है, सिग्नेचर दिया नहीं है, धक्का मारने से कोई पिनफॉल हो जाएगा यार, ये क्या हरकत है। हाँ स्पीयर दे, अब मार, स्पीयर मार खींच के, अब तो हाँ अब तो हो ही जाएगा इसके बाद, अगर इसके बाद भी किकआउट कर दिया ना, बहुत खतरनाक गजब स्पीयर मारा पेट के अंदर, अब तो हो ही जाना चाहिए। अरे भाई ये पागल हो गया सेट, आज सेट पागल हो गया, ऑफिशियली सेट पागल आ गया, जीतने के चक्कर में आज इसके दिमाग में कुछ और ही चक्कर चल रहा है, जीत ही के रहेगा। रोमन ने स्पीयर भी मार दिया, हेल्थ भी नहीं थी, एनर्जी भी नहीं थी, रेजिलेंस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन सेट ने किकआउट कर दिया आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कैसे कर रहे यार है रोमन बेचारा, आज लगता गया मुझे, अब लग रहा है रोमन अब गया। और ये क्या उठ गया एकदम, तब भी कुछ नहीं कर पाया, अरे यार क्या कर रहा है रोमन, डिसअपॉइंट कर रहा है आज रोमन पता है। 9 मिनट बचा अभी भी, 9 मिनट टाइम तो है, टाइम तो काफ़ी है, लेकिन देखो ये ऐसे कैसे हरकत कर रहे हैं दोनों, दोनों लेट गए, सेट उड़ गया, अच्छा है रेजिलेंस यूज़ कर ली सेट ने, वेस्ट कर दी, मतलब यूज़ नहीं कहूँगा मैं इसको, वेस्ट कर दी। 9 मिनट बचा हुआ है, क्या लग रहा है मारे यार, एक सेकंड के लिए मैं सेट बनाऊंगा अपने आप को बस स्कोर देखने के लिए कि मैं गलत तो नहीं गिर रहा ना। हाँ भाई देख लो, 4 सेट के हैं, तो एक रोमन का स्कोर सही चल रहा है, मैं हटा लेता हूँ, स्कोर तभी दिखाता है जब मैं कोई प्लेयर बनता हूँ, बस एक सेकंड के लिए बना और स्कोर देख लिया बस ठीक है। अब 9 मिनट बचा है भाई, रोमन के पास फिनिशर आया क्या, अरे कुछ भी नहीं आया बेचारा, कंगला बैठा हुआ है रोमन आज तो यार, क्या हो गया बेचारे को, कुछ तो कर, ऊपर से कूदा हट गया, मार लेट्स गो रोमन, यार मैंने प्रेडिक्शन तो सेट की है लेकिन अब कुछ तो कर रोमन, मैच इंटरेस्टिंग तभी बनेगा, कुछ एंड में कुछ बचेगा तभी, एक आध पॉइंट करना यार, क्या कर रहा है आज। फिनिशर आया, सिग्नेचर आया, अरे आने वाला, अरे मत कर रहा यार इतना सेट, क्या कर रहा है ये, इतना रिवर्स मत कर, रॉयल रंबल में कर लियो लेकिन अभी मत कर इतना, कुछ मैच तो बनेगा ना। मार सुपरमैन पंच मार दे, अरे मारना यार, क्या कर रहा है ये रोमन, लगता है रोमन की प्रेडिक्शन नहीं करी तो कह रहा है मैं जीतूंगा ही नहीं, इसको मन में बिठा लिया उसने। पिनफॉल भाई होने दे, भाई होने दे, अरे एक तो आखिरी टाइम में किकआउट कर रहा है, मैच बचा रहेगा पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा रोमन को पॉइंट एक बनाने दो, मैच बचा रहेगा, नहीं तो अभी अगर सेट ने एक आध पॉइंट और बना लिया तो फिर तो रोमन पक्का गया। अभी मैं इसलिए चाह रहा हूँ एक आध पॉइंट रोमन बना ले ताकि मैच बना रहे, करवा ना पिनफॉल भाई, क्या आदमी है पागल, पागल ही कहूँगा मैं, पागल है ये, क्या कर रहा है, पिनफॉल करवाना है क्या भाई, भूल गया क्या पिनफॉल करवाना है, जब कुछ करवाता नहीं है अजीब इंसान भाई, रोमन अजीब हरकत कर रहा है बता रहा हूँ मैं। आज सेट जीतेगा आज, लिख के ले लो, अब कुछ ना होने वाला, लगता है एक और पॉइंट बना लिया, 5वां बच गया, ये पॉइंट हो जाता ना तो गया था कांड था फिर तो पूरा, अब गया यार रोमन भाई, गया यार तेले नहीं जाती, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, रोमन अब गया यार, रोमन फैंस भाई रोमन अब गया, बचने वाला नहीं है, शायद स्पीयर दे सकता उड़ा उछाल के, जब शायद देने आएगा अपना फिनिशर, शायद ये स्पीयर दे सकता है कन्वर्ट करके, क्या लग रहा है भाई, देखो पिटे आ रहा है भाई, शर्म कर, क्या कर रहा है अब भाई ये, अगर फिनिशर पड़ गया ना क्या बोलूं फिर तो, अरे भाई क्या कर रहा है, कर क्या रहा है रोमन भाई, इतना घटिया खेलेगा मुझे नहीं लगा था पता है,
6 मिनट बचा है। ओ चलो किक आउट तो करा कम से कम, चलो किक आउट तो करा, अच्छा किया किक आउट कर दिया यार, कुछ नहीं बचता फिर तो, किक आउट ना करता तो। फिर फिनिशर दे दिया, भाई आज मैं स्पीचलेस हूँ, सेठ की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं सोची थी मैंने, कुछ ज्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है सेठ ने। देखो भाई हर चीज रिवर्स कर दे रहा है यार ये भाई, पागल हो गया क्या? रोमन पे तरह सारा बचा रहा, बहुत बुरी तरह हार रहा है। ऐसे ही चाहते हो क्या आप लोग रॉयल रंबल मैच में? रॉयल रंबल में मतलब ऐसे ही जीते क्या सेठ? मैं तो नहीं चाहता ऐसे जीते, ये तो वन साइडेड बना दिए सेठ ने पूरा ही। कंपटीशन कर ले भाई, कुछ तो कर ले, रोमन गुस्सा दिला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ये, काहे का ट्राइबल चीफ भाई ऐसी हरकत क्या कर रहा है आज? ऐसे तो कभी नहीं करता यार रोमन, आज मैंने शुरू में ही क्या बोल दिया, बिल्कुल पनौती ही चढ़ गई रोमन के ऊपर। अब मारा स्पीयर, एक पॉइंट होने दे भाई, थोड़ा रहम कर सेठ, एक पॉइंट होने दे रोमन का, मुझे तरस आ रहा है उसके ऊपर। चलो खैर के एक पॉइंट तो करा, स्कोर मुझे पता नहीं है, 5-2 है मेरे ख्याल से, सेठ के 5 रोमन का 2। अरे मत कर भाई, कितना पीटेगा यार, सेठ जीतना चाहिए लेकिन ऐसे भी नहीं यार, तो बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा एंड में, होता ना 5-5 और फिर जीतने का देखने में मजा आता। अभी भी कुछ हो सकता है, रोमन है अभी भी, फिनिशर है रोमन के पास, हाँ सिग्नेचर आने वाला है, अभी भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं मानूंगा मैं, हाँ सिग्नेचर देना चाहिए रोमन को, पागलपंती नहीं करना, सिग्नेचर देना। अरे दे दे भाई, क्या कर रहा है, सिग्नेचर देना क्या कर रहा है यार, इससे नहीं होगा पिनफॉल, तू लिख के ले ले। अब तो लगता है मेरे को, मैं रोमन बन जाऊंगा तब भी नहीं जीता पाऊंगा, और हरा ही दूंगा उसका, रिवर्स नहीं करियो सेठ, कुछ मैच बचे रहेंगे यार। देखो 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 पागल है ये, देखो मुक्के मार रहा है। अबे भाई बस कर बस कर, तू जीत तो गया ही है, 5 मिनट में तो नहीं कुछ हो पाएगा। धक्का मार दिया, अब मार सुपरमैन पंच, मार 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 कुछ कर। अरे ये क्या हुआ, खड़े खड़े गिर गया यार, ये क्या हुआ, खड़े खड़े कैसे गिर गया वे, क्या हुआ इसको भाई, ये क्या हुआ? ऐसे तो बहुत कम होता है लेकिन आज हुआ। अब तो भाई खत्म उम्मीद, रोमन फैंस खत्म उम्मीद, अब तो कुछ नहीं होने वाला। रोमन तो लेट गया बिल्कुल, रोप्स का रोप्स के ऊपर पैर रख के सो गया लगता है। तो ये फिनिशर देने आ रहा है, अभी कभी बचा ले, बचाना भूल गया क्या रोमन यार, बचाना रिवर्स करना भूल गया क्या? लगता है सेठ का ओवरऑल कुछ ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा 100 तो नहीं है इसका। किक आउट कर दिया रेजिलेंस यूज करके, 5-2 स्कोर है, पता है क्या लग रहा है, 4 मिनट में तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। उठ जा भाई उठ जा रोमन, कुछ कर ले, मैं यही बोले यार पूरे मैच में आज, कुछ कर ले कुछ कर ले कुछ कर ले, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। मार दे सुपरमैन, अरे मार दे भाई, घर लेके जाएगा क्या, मार दे भाई, पागल कर दिया यार रोमन ने आज, सच में गुस्सा दिला दिया, तेल ले यार तू तेल ले, गुस्सा दिला रहा है फिनिशर है, दे भाई क्या कर रहा है, घर लेके जाएगा क्या कर रहा है अभी सुपरमैन पंच, दे दे भाई घर लेके जाएगा क्या भाई, शायद यार गुस्सा दिला रहा है पता है, कुछ करने दे उसको बेचारे को, बेचारा खून खून हो गया, देखो तो तरस आ रहा है, इतनी बुरी हार 5-2 से, बचाएगा बचा तो लिया, 3.5 मिनट है भाई, कुछ कर ले उठ के, सोया रह जाए सोया रह जाएगा फिर भाई। कितना फिनिशर आ गया इसके पास, कहां से ला रहा है भाई, पागल ग्लिच कर गया क्या यार, इतना फिनिशर कैसे आ रहा है इसके पास, हर बार किक आउट कर दिया सही है, लेकिन क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा, 3 मिनट में 3 पॉइंट थोड़ी बन जाएगा भाई, क्या पता बन जाए, पता नहीं, ड्रॉ करवा दिया ना फिर तो और गुस्सा आएगा, ड्रॉ मत करवाइयो, एक को जीतने दो, शायद को जीतने जो मर्जी जीते। स्पीयर दे आ रहा है, कुछ नहीं फायदा भाई, कुछ नहीं फायदा अब तेरा, देता रह तू, अब तू सोता रह स्पीयर दे के, कोई फायदा नहीं है, रेजिलेंस आ चुकी है उसके बाद, बचा लेगा वो मोस्ट प्रोबेबली। ओ भाई 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 भाई, यहाँ पे 5-3 हो चुका है, लेकिन 2 मिनट में क्या ही कर लेगा, 2 मिनट तो नहीं है वैसे, 2.5 मिनट से भी ऊपर है, बट क्या कर लेगा इतनी जल्दी, फिनिशर भी नहीं है, 5-3 स्कोर है पता है, बचा फिनिशर कुछ नहीं है अब, 2 मिनट 2 पॉइंट से आ गया, 2 मिनट में 2 पॉइंट तो नहीं मिला पाएगा मेरे ख्याल, लगता तो नहीं है भाई, फिर भी देखते हैं अभी 2 मिनट बचा है, जब तक कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ क्या पता आज कुछ अलग ही कर दे, हालांकि लग तो नहीं रहा है। ओ भाई जल्दी 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 कुछ करना तो कर, अरे तो सेठ इतना रिवर्स करते है ना, पागल कर देते है रिवर्स कर करके, सच में बहुत ज्यादा कर रहा है ये रिवर्स,
रिवर्स पे रिवर्स, रिवर्स पे रिवर्स, पागल कर दिया इसने भाई रोमन, ये रिवर्स कर दियो कुछ, क्या पता हो जाए तेरा। 5-3 स्कोर चल रहा है रोमन, आज लगता है उम्मीद छोड़ चुका है। अरे अभी ऊपर से कूदा फिर चढ़ गया ऊपर, क्या बंदर वाली हरकत है, बार बार कूदे यार। वो रिवर्स कर दिया यार, सिग्नेचर भी आ गया यार। ओए होए रोमन फैंस, क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? 1.5 मिनट से भी ज्यादा टाइम है भाई, यहाँ पे पेनफॉल करवाना चाहिए इसको। शायद अगर गलती से किकआउट ना करे ना तो फिर बन सकता है मैच। करवा रहा है, होने दे पेनफॉल भाई, होने दे। अरे नहीं होने देगा, ये मनहूस सेट है भाई, आज गुस्सा दिला रहा है। कुछ पॉइंट वॉइंट होने देना, लास्ट मिनट में बचेगा तो सही। अभी 5-3 है, रोमन का पॉइंट होगा तो एंड में मजा तो आएगा। हालांकि इस रियल में चाहे शायद जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। करवा पिनफॉल, पिनफॉल करवाइए गधे रोमन। और गधा गधा है, गधा पागल, छोड़ तेल है यार तू, तेरे पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बेकार आदमी। पिनफॉल करवाता ही नहीं है भाई, क्या कर रहा है? देखो सेठ कभी नहीं मौका छोड़ता पिनफॉल करवाने का, और ये रोमन करवाता ही नहीं है सुपर मैन पंच देखने वजह से छोटा हो जाएगा। किक आउट कर दिया, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तेल ले यार अब तू, कोई फायदा नहीं, अब हार गया, अब रोमन हार गया, अब कुछ बचा नहीं है। 1 मिनट में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हाँ ले लो अब, मजे ले लो अब, सेट फैंस का राज चलेगा, सेट फैंस खुश हो जाए भाई। बहुत बुरी तरह हराया है रोमन को, बुरी तरह हराया। ले 6-3 हो गया, ले भाई कर ले तू, और पिनफॉल ना करवा सुपरमैन पंच दे दे के। अब मार ले 3-3 दू, ये जो मर्जी मारो, कुछ नहीं हो सकता। रोमन में ना मुझे गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है भाई। सुपरमैन पंच दे रहा था तो पिनफॉल क्यों नहीं करवाया? 4-5 बार इसने आज ऐसा किया, पता है। अब रोता रहा, अब कुछ नहीं हो सकता। आज गेम प्ले में तो हार ही गया, अब रियल में पता नहीं क्या होगा, बट आज गेम प्ले में रोमन हार गया। एंड में गुस्सा निकाल रहा है स्पीयर वगैरह दे के, लेकिन अब गेम प्ले में अब हार चुका रोमन। 20 सेकंड में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। 3 पॉइंट थोड़ी मिला लेगा 18 सेकंड में भाई। यहाँ पे इनफॉल करवा रहा है, क्या कर लेगा करवा के भाई। सेट जीत चुका है, न्यू यूनिवर्सल सेट बन चुका है। सेट भी एक तो आज नेक्स्ट लेवल खेल रहा है, देख रहे हो? ओ भाई, ओ बॉय, ओ बॉय, सेट भाई कमाल खेल रहा है आज, पता है। एंड में कौन खड़ा रहेगा? अच्छा एंड में रोमन मारते हुए ही छोड़ के गया। हाँ रोमन मारते, अरे नहीं नहीं सेठ अभी एंड में भी मार रहा है मुक्का, छोड़ नहीं रहा है। लेकिन मैच ये पूरा सेठ के नाम था, पूरा मैच सेठ के नाम, पूरा पीट दिया जिसे कहते, सूद दिया, छोड़ा ही नहीं बिल्कुल। मतलब क्या बोलोगे भाई, बहुत गंदा हाल किया। रिप्ले हटाना यार, क्या है, मैं दबा रहा हूँ बटन, आगे कर, हट, नहीं देखता रिप्ले, कितनी बार तो देख लिया। लो भाई रोमन फैंस देख लो, स्पीयर देके मन भर लो आज, क्योंकि रोमन का कुछ चला ही नहीं आज, बेचारा रोमन रेंज। बट आज फाइनली रोमन रेंज का कराज खत्म, ट्राइबल चीफ हार चुका है, सेथ न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब देखते हैं रॉयल रंबल जब भी होगा, आप जब वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली कल या परसों होगा, तो देखते हैं कल या परसों जब भी है रॉयल रंबल, देखते हैं क्या होता है रियल में। और अभी एक लास्ट वीडियो आने है रॉयल रंबल के ऊपर, जो कि होगा रॉयल रंबल मैच, शायद कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर होगा, पता नहीं, अब आएगी वो जब देख लेना, कल आएगी या कल ही आएगी। तो चलिए भाई आज की वीडियो में ऐसे रखते हैं, सेथ ओपी कर देना, और रोमन भाई क्या किया यार, हरवा दिया बहुत बुरी तरह हार रोमन को, बट ठीक है सेथ जीता 6-4 स्कोर से या 6-3 से, 6 था सेथ का और 3 था रोमन का। और वीडियो जीत आज की यहीं तक थी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।